Good morning, dear students. So today we are going to start with the geography second chapter, and the name of this chapter is Inside Our Earth. So the earth is our homeland. It is a dynamic planet. It is constantly undergoing changes inside and outside. Have you ever wondered what lies in the interior of the earth? What is the earth made up of? यहाँ पे जो हम लोगों ने पहले भी देखा है कि अर्थ इज अ डायनामिक प्लैनेट, इट इज अ यूनिक प्लैनेट. ओके, सो वी स्टे इन द अर्थ, लेकिन कभी हम लोग नहीं सोचते कि अर्थ के इनसाइड में क्या होता है, क्या नहीं होता है. व्हाट इज अर्थ मेड अप ऑफ? सो हियर इट इज, इंटीरियर ऑफ द अर्थ. सी दिस डायग्राम प्रॉपरली, केयरफुली. ओके, सो just like an onion, the earth is made up of several concentric layers with one side another. जैसे अनियन होता है ना, कि अनियन की एक छिलके के अंदर दूसरा होता है, दूसरे के अंदर तीसरा होता है, एक अलग अलग लेयर्स होते हैं. वैसे अर्थ भी हमारा अलग अलग लेयर से बना हुआ है. The uppermost layer over the earth's surface is called the crust. सबसे ऊपर का लेयर, जिस लेयर पे हम चलते हैं, जो जमीन है हमारी, उसको हम कहते हैं अर्थ क्रस्ट. इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल एंड लेयर्स. इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मास एंड ओनली 5 किलोमीटर टोटल जो है, इसको कहते हैं टोटल 35 किलोमीटर तक अंदर अंडरग्राउंड होता है. लेकिन यहाँ पे ये जो पार्ट है अर्थ का, क्रस्ट का जो पार्ट है, ये सबसे थिनेस्ट है. The main mineral constituents of the continental mass are silica and alumina. It is thus called as Sial. Silica and alumina जो होता है, ये mineral का मिश्रण से ही हमारा earth crust बना हुआ है, तो इसी को हम एक तरीके से silica भी कहते हैं. The oceanic crust mainly consists of silica and magnesium and it is therefore called as Sima. अर्थ क्रस्ट का जो हमारा जो ओशन का जो लेयर है, उसको वो जनरली सिलिका एंड मैग्नीशियम से बनता है, तो इसको हम लोग उसको सीमा कहते हैं. जस्ट बीनीथ द अर्थ क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड्स अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर. कैन यू इमेजिन, जमीन से नीचे 2900 किलोमीटर. सो ये है हमारा अर्थ का मेंटल. ये देखो, ये पूरा जो क्रस्ट है आपको दिखाई दे रहा है. दिस इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दिस इज द कॉन्टिनेंट. ये कॉन्टिनेंट जहां पे हम रहते हैं, ये है ओशन और ये है ओशनिक क्रस्ट. सो दिस आर ऑल द पार्ट ऑफ द अर्थ. द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद अ रेडियस ऑफ 3500 किलोमीटर. सबसे डीपेस्ट होता है हमारा कोर. कोर है हमारे अर्थ क्रस्ट से लेके 3500 किलोमीटर. इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन, इज कॉल्ड नाइफ. ये निकल एंड आयरन से ज्यादातर बना होता है, तो इसको हम लोग नाइफ कहते हैं. द सेंट्रल कोर हैज हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो सेंट्रल कोर होता है ना, उसपे सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है. नाउ वी विल गो टू द रॉक्स एंड मिनरल्स. हमारे अर्थ का जो क्रस्ट है या फिर जो अर्थ है, जनरल बहुत अलग अलग तरीके के रॉक्स एंड मिनरल्स से बना हुआ था. द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स. एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक. रॉक कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर. रॉक जो है ना, वो अलग अलग टाइप्स एंड टेक्सचर्स के बने होते हैं. ऐसे अलग अलग किस्म के रॉक, कलर, साइज, टेक्सचर, इन सब का मिश्रण होता है हमारा अर्थ क्रस्ट. सो अर्थ क्रस्ट के नीचे जो अलग अलग टाइप के रॉक्स एंड मिनरल्स मिलते हैं, ये सारी चीजों का ही एक मिश्रण होता है. नाउ वी विल कम टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. सो देयर आर थ्री मेजर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. फर्स्ट इज इग्नियस रॉक्स, सेकेंड इज सेडिमेंट्री रॉक्स एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक. फर्स्ट वी विल गो व्हेन
the molten magma cools, it becomes solid. Rocks thus formed are called igneous rocks. They are also called primary rocks. There are two types of igneous rocks, intrusive and extrusive rocks. So, यहाँ पे हम कहते हैं igneous rocks जो molten magma होता है, जमीन के नीचे जो उबलता हुआ लावा होता है, वो जब ठंडा पड़ जाता है, उस किस्म के रॉक को हम igneous rocks कहते हैं। वो अपने आप ठंडा हो जाता है या फिर कभी कभी एक्सप्लोजन होके बाहर निकल के अर्थ के टेम्परेचर में आके वो कूल हो जाता है और उस वहां से जो द टाइप ऑफ रॉक्स बनते हैं उस टाइप के रॉक्स को हम इग्नियस रॉक्स बनते हैं। इग्नियस का मतलब होता है फायर। ओके, सो इग्नियस रॉक्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव। ओके, नाउ कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट ऑफ द वॉल्केनोस। लावा जो वॉल्केनो वॉल्केनिक माउंटेन से जो लावा निकलता है, आपने सामने से कभी नहीं देखा होगा तो कभी ना कभी आपने टीवी में तो देखा ही होगा। सो लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मोल्टन मैग्मा। मोल्टन मैग्मा इट्स लिक्विड मैग्मा जो निकलता है ज्वालामुखी से, उसको कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स अर्थ सर्फेस, जमीन के नीचे से वो निकलता है एज अ लिक्विड फॉर्म। When this molten lava comes to the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. जैसे ही वो बाहर के एटमोस्फियर में आता है और जैसे अर्थ के साथ कॉन्टेक्ट होता है, वो जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है और जब लावा लिक्विड लावा निकल के बाहर आता है, वो तुरंत कूल होना शुरू हो जाता है एंड वो एक रॉक का फॉर्म ले लेता है। रॉक्स इज फॉर्म सच वे इन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ये जो किस्म के रॉक्स है इसको कहते हैं हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, जो बाहर आने के बाद कूल हो जाता है उसको। दे हैव वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल बासॉल्ट इट्स an एग्जाम्पल ऑफ एन इग्नियस रॉक्स। द डेकन प्लेटो इज मेड अप ऑफ बासॉल्ट रॉक्स। हमारा जो इंडिया का डेकन प्लेटो हो, जो सबसे बड़ा डेकन प्लेटो हम लोगों ने देखा है मैप पॉइंटिंग करते हुए, वो पूरा डेकन प्लेटो हमारा इग्नियस रॉक से बना है। Sometimes the molten magma cools down deep inside the earth crust, solid rocks so formed and called intrusive igneous rocks. कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ लावा अंदर ही अंदर दब के रहता है और अंदर ही अंदर धीरे धीरे लेयर पर लेयर बनते रहते हैं और वो अपने आप ही कूल होता रहता है। उसके लिए वो बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो अंदर ही अंदर कूल हो जाता है और कूल होने के बाद लेयर पर लेयर रॉक बन जाता है। उस किस्म के रॉक्स को हम एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो कैटेगरी देखा, एक जब लावा एक्सप्लोजन होता है और बाहर आता है, बाहर आने के बाद जब कूल होता है उसको कहते हैं हम एक्सट्रूसिव, और जो अंदर ही अंदर कूल हो जाता है उसको कहते हैं हम इंट्रूसिव। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। वो स्लोली कूल होता है क्योंकि वो बाहर का कोई कॉन्टेक्ट नहीं आता है, तो वो धीरे धीरे कूल होता है, तो इसको हम कहते हैं इंट्रूसिव। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक। ग्रेनाइट आपने देखा होगा, मार्बल, ये जो एक टाइप का रॉक होता है, जैसे ग्रेनाइट भी हमें मिलते हैं, हम अपने हाउस यूज के लिए यूज करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड दिस टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। तो ये सारे चीजों का बनता है, ग्रेनाइट्स का बहुत सारे यूजेस है। सो टुडे वी सॉ दिस चैप्टर एंड वी हर्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड अर्थ इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। टुमारो वी विल डू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। Thank you and have a nice day.